तू करते थे। हेलो। हाँ बोल रहा हूँ। कौन बोल रहे हो भैया? ठीक है, सुनाओ कुछ खबरी। भाई कौन बोल रहा है तू? और देखो नंबर किसने दिया है? मतलब तेरे को क्या लगता है कि टिकटॉक का जो प्लेटफॉर्म है वो मुजरा करने के लिए था? नहीं, मतलब एक बात बताऊँ मैं, जो भी है तू, आई डोंट नो यू, मतलब जिसको तुम लोग मुजरा बोल रहे हो ना, तो वो मुजरा तुम लोग देखते थे तो वो अलग टाइप का मुजरा था कुछ लोग। नहीं, मेरी बात सुन भाई, मेरी बात सुन, मैं क्या बोल रहा हूँ। अपना घोड़ा आगे मत कर, हमारे को भी मौका दे। हाँ, तो जिसको तुम मुजरा बोल रहा है ना, तो वो जैसे घटिया वीडियो तुम लोग देखते थे ना, वो मुजरा होता था। असली टैलेंट तो तुम लोग देखते ही नहीं थे। मतलब भाई तो अकल का अंधा भी नहीं है, तो आँख का अंधा भी, क्योंकि तूने मेरा वीडियो देखा नहीं ना, मैं लिपसिंग करता हूँ ना कुछ करता हूँ, मेरे ओरिजिनल कंटेंट होते। तो तू जो ये गलत फहमी में जी रहा है, पहले उससे बाहर आ। मतलब तुम लोग को मतलब ये लग गया है कि टिकटॉक का प्लेटफॉर्म वो मुजरा करने के लिए था, तो भाई एक काम करना, तो गजरा लेके आ जा, फिर बैठा करना और भी मुजरे देखने के लिए। मतलब बदतमीजी की हद होती है। अबे मैं कोई भी बोल रहा हूँ, जब तू नंबर डायल किया है मेरा तो मैं ही बोल रहा हूँ ना, बेवकूफ़ी से बात करता है तू। एक तो तुझे ढंग नहीं है बात करने का। तू यूज़ करता था टिकटॉक? हाँ, तो तू गजरा लेके बैठता था ना वहाँ सूंघ के देखने के लिए कि कैसा मुजरा कर देना। अरे मेरे भाई, अब देख कितने टैलेंटेड लोग निकले हैं टिकटॉक के प्लेटफॉर्म से, तो वो तुम्हें। नहीं, मेरी बात सुन। अरे मेरे भाई, हमेशा तू अब घोड़ा तो छोड़, अब तू गधा लेके आगे बढ़ रहा है। सुन मेरे बात, तूने टिकटॉक लगता है ठीक से देखा नहीं है कि टिकटॉक के प्लेटफॉर्म पे से कितने लोग मतलब फेमस हुए, जिनके जिनको कोई पहचानता नहीं था। जैसे अभी देख भाई, देख सुन, अब जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनका नाम अभी मैं बोलूँगा थोड़े से, आदर्श आनंद हो गया, अब वो एक गरीब घर से था लेकिन उसके टैलेंट को लोगों ने पसंद किया। कहाँ पे? टिकटॉक के प्लेटफॉर्म पे। क्या वो मुजरा था? अब अरमान जो अभी एक डांसिंग सेंसेशन था, उसने इतना कुछ अभी फेम कमाया है टिकटॉक पे, वो मुजरा था? क्या वो मुजरा कर रहा था? और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अब फेम कमाया टिकटॉक के जरिए, वो मुजरा था? तुम लोग को जो सनी लियोन, कमरा खाली, फ्लैट खाली, ये जो होता है ना, ये तुम लोग को टैलेंट लगता है, वो मुजरा नहीं लगता है तुम लोग को? हाँ, तो क्या कर रहा था? अरे मेरे भाई, ये दुनिया बहुत बड़ी है, यहाँ पर 10 ऐप होते। अगर एक कलाकार होता है, एक टैलेंटेड बंदा होता है ना, वो कहीं पे भी अपना कला दर्शा देगा, मतलब उसको ज़रूरत नहीं है। और जो मुजरा करते हैं ना, उनको ज़रूरत है कोठे की, क्योंकि उनको नचनिया बनना है। हम कलाकार हैं, हम टैलेंट दिखाते हैं ओरिजिनल, तो हमारी कोई ज़रूरत नहीं है सब करने की, समझा? तेरे को तो बहुत कुछ लगता है, तेरे को जो लगता है वो एकदम बेफिजूल लगता है। हाँ, अरे धंधा पानी, ये हम लोग धंधा पानी लेके नहीं बैठते थे, समझा? हम लोग टैलेंट को दिखाते थे, धंधा पानी। नहीं, जो जिसका धंधा पानी चलता था, जो तलवे चाटते थे, उनको फर्क पड़ेगा भाई। हम तो हमारा खुद का इस देश में रह के इस देश का कमा के खाते हैं, हम किसी के तलवे चाटने वालों में से नहीं है, समझा? तेरा धंधा था क्या टिकटॉक पे? अरे नहीं, अरे उरे बात नहीं कर, तेरा धंधा था क्या? बाकड़ा था तेरा? अरे क्या हुआ, जबान पेट में गिर गई?
नहीं आएगा भी नहीं, गलत गलत जगह पे तूने नंबर लगाया, और मैं तेरे को हर एक सवाल का जवाब दूंगा, वो भी बहुत अच्छी तरीके से दूंगा। पहला तो तेरी जबान पेट से निकाल,